दर्शकों इस वक्त हमारे समक्ष है प्रगति कोचिंग क्लासेस की डायरेक्टर मिसेस नीता सूचक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रगति कोचिंग क्लासेस है, किस तरह के आपके क्लासेस में कोर्सेस कंडक्ट होते हैं और किस तरह के स्पेशलाइजेशन आपके कोर्सेज में उस बारे में? मेरे क्लासेस में मैं 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाती हूँ, स्टेट बोर्ड CBSE दोनों पढ़ाती हूँ। और मुझे पढ़ाते हुए आज 35 साल हो गए। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो क्लासेस जो है आपकी अपना प्रगति कोचिंग क्लासेस है, तो इसमें स्टूडेंट्स जो है आपके कौन कौन से क्लासेस के स्टूडेंट्स आते हैं? जैसे CBSE स्टेट बोर्ड बोला आपने, बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि भवन से, फिर सेंटर पॉइंट है, स्वामीनारायण है, ऐसी सभी CBSE APS है, जैन इंटरनेशनल स्कूल है, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आते हैं। स्टेट बोर्ड में भी जैसे आदर्श विद्या मंदिर और यहाँ तीन सेंट जोसेफ SFS, वहाँ के बच्चे भी, लड़कियाँ बहुत सारी पढ़ के गई है। वी आर टीचिंग एक्चुअली ऑल द सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ। हम लोग जो है साइंस और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्लस हम लोग उनको JEE के लिए अभी से 8th स्टैंडर्ड से हम लोग तैयार करते हैं। खासकर हम लोग बेसिक्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो 2 साल में बच्चों का जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए हमारी यही इच्छा है कि इंडिविजुअल अटेंशन बहुत ही ज़रूरी है आज की तारीख में। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन देकर उनके जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक कॉर्नर्स हैं, उनको टच करके उनको आगे पढ़ाना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि उन लोग जो है सही मायने में पढ़ाई कर सके। आजकल के बच्चे जो है वो सरफेस लेवल की पढ़ाई करके उनको फिर बाद में कुछ भी आता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खासकर मेरा यही अभियान है कि मैं हर बच्चे को उनकी जो है वीक पॉइंट्स क्लियर करके इंडिविजुअल अटेंशन देके आगे बढ़ाओ। कितने बैचेस चलती है और पर बैचेस में कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है, उस बारे में बताइए। हर साल हमारे पास जो है 3 बैचेस चलती थी, 20-20 की। एक बैच में हम लोग 20 स्टूडेंट्स रखते हैं। हमारे पास 4 फैकल्टीज है और आज की तारीख में जो है हमारे बच्चे सभी स्कूलों से, और अभी जो पढ़ाई उनकी अच्छे से चल रही है और फैकल्टीज़ भी हमारे पास अच्छी है। जैसे मैथ्स में देखा गया तो काफ़ी बच्चों को स्कोर करने में डिफ़िकल्टी जाती है, उनके लिए एक हार्ड सब्जेक्ट होता है, तो वैदिक मैथ्स में आपका कुछ है क्या? वैदिक मैथ्स भी हम लोग पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग जो है अगर हम लोग 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं या हम लोग 9th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग जो है बेसिक मेथड्स जैसे 5th, 6th, 7th के जो भी मेथड्स हैं वो साथ में लेते हुए हम उनको पढ़ाते हैं, और उनको जो है छोटे छोटे सम्स होमवर्क में देते हैं ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर सके और उनको कोई दिक्कत ना हो। जब हम प्रगति कोचिंग क्लासेस की बात करते हैं, तो जिसके आप 30 साल से टीचिंग लाइन में हो, हाँ। आप ये बताइए कि आपके क्लासेस का किस तरह का परफॉर्मेंस है, किस तरह से बच्चे मेरिटियस आते हैं, उस बारे में? मेरे क्लासेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 100% रिजल्ट है, कोई बच्चा फेल होता नहीं है, पहली बात। और जो भी बच्चे आते हैं वो 30% की हाइट बताते हैं, 30% डेफिनेटली हाइट बताते हैं, और उन लोग जो है इतने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ समझ में आती है, जो भी उनकी वीक पॉइंट्स रहते हैं और जो भी उनको सब्जेक्ट के बारे में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो उनके जो प्रॉपर उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं, और जो है जो भी बच्चा पूछेगा उसी समय उसका जवाब उसको दिया जाता है, और उसको ना रोकते हुए, क्योंकि एक बार अगर हम बच्चे को रोक देते हैं कि आप बैठ जाओ बाद में हम ये करेंगे, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। बच्चे को जब उनको जानने की जिज्ञासा रहती है, तब उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता को जो है पोसना चाहिए, उनको अच्छे से बताना चाहिए, ताकि उन लोग इंटरेस्ट करके पढ़ाई कर सकें। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल की जब बात करते हैं, तो आप ये बताते स्टडी मटेरियल भी आप प्रोवाइड करते हो तो उस बारे? हाँ, स्टडी मटेरियल हम लोग ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, हम लोग नोट्स वगैरह भी देते हैं। शहर और विदर्भ के दर्शक जो कि आप प्रगति कोचिंग क्लासेस की डायरेक्टर हो, अनीता सूचक मैम,
आपको डायरेक्ट हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, और आपका फोन नंबर और आपके कोचिंग क्लासेस का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के पाला पवार के स्टूडेंट्स डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैम, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, यदि बच्चे जो मतलब फेलियर है, जो पुअर क्लासेस के हैं, जो उनसे इकोनॉमिक रिकॉर्ड है, कोई भी आपकी क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं और कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो आपको आप किस तरह से उन्हें हेल्प करते हैं? हम लोग इस तरह से हेल्प करते हैं कि उन लोग को बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट, उनका एक हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, उनको इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा देते हैं। समझो एक ही परिवार से दो तीन लोग हमारे पास रहते हैं, दो बच्चे रहते हैं, कभी कभी तीन बच्चे भी रहते हैं, तो उनको हम लोग जो है काफ़ी डिस्काउंट देते हैं। उनको जो है हम लोग पर्सनली जो है ये देखते हैं कि तीनों बच्चों को अच्छी पढ़ाई उनकी हो सके, और फाइनेंशियली भी उनको जो है हम लोग अच्छा डिस्काउंट देते हैं, ताकि उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एक बच्चों की पढ़ाई पे करीबन जो है 1,00,000 रुपया खर्च हो जाता है CBSE वालों को, और जो है स्टेट बोर्ड में भी अगर देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि आगे फ्यूचर जनरेशन्स में उन लोगों को अगर बच्चों को पढ़ाना है तो काफ़ी हद तक उनको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे बच्चों को हम लोग जो है, और अगर उनकी तमन्ना है पढ़ने की, तो हम लोग जो है उनको काफ़ी डिस्काउंट देकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और किसी किसी का तो हम लोग जो है फीस भी हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि दे आर रियली वेरी पुअर एंड दे रियली कैन नॉट अफोर्ड। जब हम ये देखते हैं तो डेफिनेटली हम उनको बहुत ही कम में पढ़ाते हैं। काफ़ी लोगों से फीडबैक मिला कि आपका जो प्रगति कोचिंग क्लासेस है, दिन पे दिन प्रगति के शिखर पर हमेशा अग्रसर रहा हुआ है, तो हर तरह के बच्चों की जो भी कंफ्यूजन है, जो डिफिकल्टीज है, आप लोग सॉल्व करवा लेते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को पता नहीं हो, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो जुड़ना चाहते हैं आपकी क्लासेस से, तो ऐसे पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स को, आपके आपका एक क्या मैसेज होगा? मेरा ये मैसेज है कि आप अगर बच्चे को पढ़ाते हो तो सही जगह भेजो, और अगर एक बार आपको विश्वास से वो टीचर के पास अगर आप उसको भेजते हो तो डेफिनेटली उसकी जो है आगे वो बढ़ने की पूरी जो है चांसेस है। और एक पौधा रहता है, एक पौधा को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह अगर हम लगाएंगे तो पनपता नहीं है, लेकिन अगर टीचर्स अच्छे हैं तो उनको जो है इधर उधर ट्यूशन क्लासेस भटकते ना हुए एक जगह एक ही इंसान के अंदर और एक ही इंसान के तहत उसको ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, तो वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। और हम साथ साथ में उनको वैल्यूज़ और अपने इंडियन कल्चर वो भी साथ में लेते हुए हम लोग चलते हैं, ताकि वो लोग रियली गुरु और शिष्य की परिभाषा समझ सके और आगे बढ़ सके। तो दर्शकों